और शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे सबसे पहले एडिबल ऑयल से। रूपा जी, खबरें हैं कि इंडोनेशिया ने सोमवार से फिर से अपने पाम तेल का जो निर्यात है वो चालू कर दिया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत पर इसका कुछ असर पड़ेगा? क्या निर्यात ज़्यादा होने से भारत में जो तेल की जो कीमतें हैं वो घटेंगी या बढ़ेंगी? क्योंकि देख रहे हैं कि इंडोनेशिया ने चालू तो कर दिया है, लेकिन इंडोनेशिया में खुद अभी इसकी जो सप्लाई है और जो दाम है वो अभी भी ऊपर ही बने हुए हैं। देखिए, हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सपोर्ट जो है अगर खुल जाता है तो थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर जो है वो प्रेशर आता हुआ बन सकता है, क्योंकि अभी प्राइसेस लगातार तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब जैसे साइकोलॉजिकली भी आप देखिए, थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर अब डाउनसाइड बन सकता है, लेकिन फंडामेंटल तो ऑलरेडी सपोर्टिव है मार्केट के। और जैसे पहले भी हम तेजी आते हुए देख रहे थे तो वो तेजी अभी थोड़ा सा स्थिर होती हुई नजर आ सकती है, यानी कि एक स्टेबिलिटी बनती हुई मार्केट में दिखाई दे सकती है। तो बहुत ज्यादा अगर तेजी नहीं बनेगी तो गिरावट भी नहीं है, लेकिन हाँ, मार्केट जो है यहाँ पर इन्हीं लेवल्स के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है, ऊपर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनी रह सकती है। जी,